हेलो गाइस, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन मैटर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कोरोना वायरस के कुछ बारे में, जो कि बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि केसेस इंडिया में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो फिर ये जानना सबको ही बहुत ज़रूरी है, चाहे एज इस ग्रुप का इसमें कोई मैटर नहीं करता है। बस आप लोग एक बार इसको जान लीजिए और इसको कैसे बचाव करना है, क्या वर्क है इसका, कैसे बॉडी पर इफेक्ट करता है, ये सब आप इस वीडियो पूरा देखने के बाद जान जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली बात, जेनेटिक मटेरियल दो टाइप का होता है, एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। तो ये हमारा दो जेनेटिक मटेरियल है। तो नॉर्मली सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, मतलब कि जिसको जैसे हम लोग हैं, तो उसमें डीएनए पाया जाता है और वायरसेस में ज़्यादातर आरएनए पाया जाता है। तो जो डीएनए होता है, ये डीएनए जैसे किसी भी चीज़ की अगर पहचान उसके डीएनए से ही होती है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से। लेकिन आरएनए से अभी तक ऐसा कोई टेक्निक नहीं है कि जैसे आरएनए से हम लोग पता कर सके कि आरएनए से आरएनए वगैरह, जैसे कि किसी आरएनए सैंपल से कि वो उसका कैसा क्या सैंपल है वैसे। तो फिर देखिए, जैसे ये डीएनए है, तो ये अगर जैसे देखिए आप एक नॉर्मल केस आपको बता रहे हैं, जैसे अगर कहीं मर्डर होता है, रेप होता है, कोई भी अगर केसेस होता है क्रिमिनल का, तो देखिए इसमें जैसे अगर होता है ना, कहीं मर्डर मान लीजिए कहीं हुआ है, तो उससे आपका कहीं अगर ब्लड गिरा है, फिर अगर हेयर कहीं एक आध दो गिर गया है, उसके बाद फिर आपका जैसे सिगरेट अगर वो पिया है तो सलाइवा गिरा है सिगरेट पे लगा हुआ, तो इससे और भी बहुत सारा चीज़ है। तो इससे हम लोग ये पता कर सकते हैं कि वो जो रेपिस्ट है वो कौन है, जो वो आपका मर्डरिस्ट है वो कौन है, मर्डरर है वो कौन है, क्योंकि उसके ब्लड होता है, हेयर होता है और उसके बाद फिर सलाइवा होता है, उससे हम लोग जनरली पता कर सकते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से। तो एग्जैक्ट हम लोग को पता चल जाएगा कि कौन उसमें इन्वॉल्व था। और जनरली आरएनए में ऐसा कोई केस नहीं है, और इसीलिए यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि कोरोना का इतना लेट वैक्सीन आना और उसके बाद फिर इतना जल्दी पता ना कर पाना कोरोना के लिए। इसीलिए डॉक्टर्स पहले नॉर्मल मेडिसिन चला रहे थे। तो जनरली देखिए होता क्या है, कोरोना को पहचानने में इतना लेट क्यों लग गया डॉक्टर्स को, साइंटिस्ट को? तो मेन इसका कारण ये है कि डीएनए जो होता है उसको हम लोग को स्टडी करना ज़्यादा आसान होता है, आरएनए को हम लोग उतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं, या तो हम लोग पहचान नहीं पाते हैं कि आरएनए से क्या हो रहा है। तो इसीलिए देखिए, डीएनए से आरएनए के कन्वर्जन को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, डीएनए से आरएनए को के कन्वर्जन को ट्रांसक्रिप्शन, TRANSCRIPTION, और आरएनए से डीएनए में बदलना रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये इंजाइम होता है, इसको हम लोग लगा के आरएनए से डीएनए बनाते हैं। यही केस हम लोग को करने में थोड़ा टाइम लग गया, इसीलिए थोड़ा टाइम टेकिंग था। तो आरएनए से हम लोग जब डीएनए कर देंगे, बना लेंगे, तो हम लोग को स्टडी करना ज़्यादा आसान हो जाएगा कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसको कैसे क्या बॉडी फंक्शन हम लोग के ऊपर क्या वो कर रहा है, हम लोग को क्या इम्पैक्ट डाल रहा है ये सब। तो ये हम लोग एक इंजाइम लगाते हैं इसको कन्वर्ट करने के लिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये मेन आपका था। इसीलिए फिर जो कोरोना का टेस्ट होता है वो देखिए दो टाइप्स का होता है, एक होता है आपका आरटीपीसीआर, मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये पीसीआर आपका पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, ये हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आपको कभी मैं पढ़ा दूंगा, या फिर आप कमेंट करिएगा तो हम आपको बता देंगे क्या होता है। तो आरटीपीसीआर, ये देखिए कोरोना का टेस्ट के बारे में आपको बता रहे हैं कि कितने टाइप से टेस्ट होता है। तो पहला टेस्ट है आरटीपीसीआर, दूसरा टेस्ट है आपका रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। तो जो ये आपका आरटीपीसीआर है, इसमें आपका फिर मेन ये होता है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। इसमें हम लोग जनरली आप वीडियोस में देखते होंगे, न्यूज़ चैनल में दिखाता है कि हम लोग बलगम निकालते हैं पेशेंट का। बलगम एक टाइप का समझ लीजिए स्प्रिट ही है, स्पिट, तो वो मतलब कि थूक टाइप का। तो उसको हम लोग गले में एक वो डाल के, मीडियम डाल के उससे हम लोग निकालते हैं। तो इसमें कोरोना पाया जाता है अगर कोई अगर पॉजिटिव है तो। तो फिर ये आरटीपीसीआर जो आपका फर्स्ट स्टेप, क्या फर्स्ट स्टेप नहीं, ये फर्स्ट दो टाइप होता है। तो ये पहले टाइप में क्या होता है कि हम लोग बलगम निकालते हैं पेशेंट का, उसमें अगर कोविड है तो, अगर अगर कोविड पॉजिटिव अगर वो है तो उसमें आरएनए होगा जेनेटिक मटेरियल। तो आरएनए से हम लोग डीएनए पहले कन्वर्ट करेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज लगा के एंजाइम। उसके बाद फिर आपका इसमें अगर वो डीएनए, जो डीएनए हम लोग बना चुके हैं वायरस का आरएनए से हम लोग डीएनए कन्वर्ट करेंगे वायरस का, तो वो जो डीएनए है उसकी हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है? तो वो स्टडी करने के बाद अगर वो नॉर्मल अगर मैच कर गया, अगर वायरस के अगर फिगर से मैच कर गया, जैसे देखिए वायरस का फिगर ये है ना, ये आपका वायरस था, ये आपका स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं उस पर, तो
तो ये हम लोग एक पहले पता कर लेंगे कि कैसा उसका स्ट्रक्चर है। जैसा कि अगर पहली बार अगर डिस्कवर हुआ था ये इसका स्ट्रक्चर वायरस का, ये इसका जेनेटिक मटेरियल, तो फिर उसको हम लोग सारे हॉस्पिटल्स क्लिनिक में भेज दिए थे कि ऐसा इसका स्ट्रक्चर है, आपको पता करना है। अगर किसी भी पेशेंट में अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है तो वो पॉजिटिव है और ये है कोरोना का फिगर। तो इससे हम लोग जनरली पता कर पाते थे कि ये पॉजिटिव है, और उसके बाद फिर हम लोग उसका ट्रीटमेंट वगैरह करते थे। वैक्सीन तो अब आई है, पहले हम लोग एजिथ्रोमाइसिन वगैरह ये सब एंटी मलेरियल दवाई दे के और उनको कुछ ऑक्सीजन वगैरह अब तो लगा रहे हैं, बाकी पहले उतना क्योर नहीं था, अब तो ठीक है। अब तो वैक्सीन्स भी आ गई हैं, तो हम जस्ट इसके 5 मिनट बाद ही आपको इस सबके बारे में बताएंगे। तो चलिए पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। जैसा कि हम फर्स्ट बताए हैं, मेथड टू डिटरमाइन द टेस्ट फॉर द कोरोना वायरस, तो पहला हमारा था RT-PCR और सेकंड आपका है रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। इसमें हम लोग देखिए बलगम ले रहे थे पेशेंट का, और इसमें क्या होगा, हम लोग ब्लड से करेंगे, ब्लड सैंपल लेंगे। तो इसमें हम लोग पेशेंट का ब्लड सैंपल लेते हैं, तो इससे देखिए अब इसका मैकेनिज्म क्या है, ये तो हम अभी आपको डिस्क्राइब कर चुके हैं फर्स्ट वाला। आप देखिए सेकंड में क्या रोल है, ये आपका लॉन्ग टाइम टेकिंग प्रोसेस था और ये आपका बस कुछ ही घंटों में बता देता है कि ये पॉजिटिव है कि नहीं। तो इसका मैकेनिज्म जनरली ये है, देखिए हमारे बॉडी जो होती है वो जनरली अगर कोई फॉरेन पार्टिकल या लिविंग ऑर्गेनिज्म या तो कोई प्रोटीन अगर हम लोग के, मतलब एक्सटर्नल प्रोटीन अगर हम लोग के बॉडी में आ रहा है, तो उसको जनरली हमारी एंटीबॉडीज़ उसको किल कर देती हैं जनरली। क्योंकि देखिए जैसे अगर कोई हम लोग को जैसे फीवर हुआ या कुछ भी हुआ, तो हमारा जैसे कोई बैक्टीरिया वगैरह हमारे बॉडी में एंटर करता है तो वो हम लोग को नुकसान पहुँचाता है, तो इसके उसको बचाने के लिए हमारी बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है जो कि उसको किल कर देती है फॉरेन पार्टिकल्स को, ठीक है। तो उसका जैसे मैकेनिज्म एक हो गया, बुखार आता है तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो बॉडी टेम्परेचर जनरली बढ़ जाता है तो सब लोग मेडिसिन लेने लगते हैं, तो मेडिसिन नहीं लेना चाहिए जनरली, क्योंकि जब बॉडी का मैकेनिज्म है ये, बॉडी हीट कर रही है, तो इसका ये मैकेनिज्म होता है जनरली कि जो छोटे मोटे बैक्टीरिया वगैरह हैं वो सब ऐसे ही मर जाएँ, उसमें ज़्यादा हम लोग को अपना इम्यूनिटी बर्बाद करने की जरूरत ना पड़े। तो ये सब कुछ मैकेनिज्म है, तो उससे हम लोग बच सकते हैं, ये हम लोग का बॉडी का एक बहुत ही अच्छा चीज़ है। तो देखिए इसका मैकेनिज्म जनरली क्या है, इसमें अगर हम लोग के बॉडी में अगर कोरोना का अगर वायरस इंटर कर गया, कोरोना वायरस, तो देखिए इसमें क्या होगा कि हमारी बॉडी इतना स्पीड, मतलब कि देखिए थोड़ा सा ये वायरस है, अगर बैक्टीरिया वगैरह होता तो छोटा मोटा एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता, छोटे मोटे ही लड़के ख़त्म कर देते हैं, लेकिन कोरोना वायरस है तो जनरली इसमें क्या होगा कि हमारी बॉडी इतनी तेज़ इसमें बनाने लगती है एंटीबॉडी, एंटीबॉडी इसमें बहुत तेज़ बनने लगता है, मतलब एकदम हाई रेट पे, एकदम मतलब एकदम अपने पीक पे बनने लगता है। तो उसमें हम लोग ब्लड सैंपल लेते हैं, तो ब्लड सैंपल हम लोग लेंगे, उससे एक टेस्ट करेंगे, तो इसमें टेस्ट में जनरली ये रहेगा कि अगर हमारी बॉडी बहुत तेज़ अगर बना रही है एंटीबॉडीज़, तो हम जनरली ये मान लेंगे कि ये पॉजिटिव है, कोरोना पॉजिटिव, अगर नहीं बनाती है तो ये नेगेटिव। तो इसका जैसे देखिए एक किट होता है यहाँ पे, ये आपका एक केमिकल यहाँ पे डाला होता है, ये आपका कुछ लाइंस होती हैं, ये अपीयर होता है अगर ये पॉजिटिव है तो देखिए इसमें एक सैंपल होता है, ये हम लोग जो ये ब्लड सैंपल है इसको हम लोग इसमें डालेंगे तो एक कलर चेंज हो जाएगा और कुछ स्पॉट्स आने लगेंगे, तो इससे हम लोग जान जाएंगे कि भाई ये पॉजिटिव है यहाँ पे। तो भाई बहुत बच के रहने की ज़रूरत है, कम से कम 6 फीट की दूरी बना के रखें। और चलिए अब इसके आगे कुछ आपको बताते हैं। और दूसरी चीज़ देखिए कि जैसे आपको अगर कोरोना, अगर देखिए आपके बारे में इसको हम बता चुके हैं, तो देखिए अगर कोरोना वायरस है तो इसका फिगर तो आप न्यूज़ वगैरह में भी दिखाते ही रहते हैं, तो देखिए ये इनका जनरली एक फिगर है, तो इस पे इनके स्पाइक्स प्रोटीन, मेन इनका फंक्शन यही है, इसी से ये थोड़ा सा मतलब फीटल बन जाते हैं, बाकी तो कोई इनका ज़्यादा वो है नहीं। ये इनका देखिए स्ट्रक्चर है, इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है RNA, ठीक है। तो ये जो स्पाइक्स प्रोटीन है ये हमारे लंग्स के रिसेप्टर्स पे जाके अटैच हो जाते हैं, क्योंकि लंग्स जो होता है उसका जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो जनरली किसी भी चीज़ को सिलेक्टिव चीज़ को ही जाने देता है अंदर हम लोग के बॉडी के, बाकी जैसे ये लीवर सॉरी जैसे ये हम लोग का लंग्स है, तो लंग्स का अगर देखिए इस पर एक रिसेप्टर होते हैं इस टाइप के, इस टाइप के, और बाकी जो ये सेल मेम्ब्रेन है इसका ये चीज़, तो इस पे जनरली ये सिलेक्टिव चीज़ों के लिए ही खाली है, सिलेक्टिवली परमिएबल ही मेम्ब्रेन है, उसमें और भी कोई बाहरी चीज़ नहीं आके जुड़ सकता है, तो इसलिए जैसे ये रिसेप्टर होता है, इस पे हम लोग मेडिसिन भी कोई खाते हैं तो रिसेप्टर इस पे आके बैठ अगर होता है
वो एक्ट करता है, तब हम लोग की बॉडी में मेडिसिन का वर्क होता है। तो देखिए जनरली ये क्या करते हैं, इससे तो जा नहीं सकते सेल मेम्ब्रेन से, क्योंकि ये सिलेक्टिव चीज़ों को ही अंदर भेजता है। तो ये जो इनका स्पाइक प्रोटीन है, ये जो इनका स्पाइक प्रोटीन है, ये डायरेक्ट इस पर आके अटैच हो जाता है, फिर ये इससे जाके इंटर कर जाते हैं हमारे बॉडी में। तो जो लंग का जो हम लोग का वो है स्ट्रक्चर, तो देखिए जैसे लंग है, लंग्स मेन ये इसी पे इम्पैक्ट करते हैं, बाकी हम लोग की बॉडी के किसी चीज़ पे इम्पैक्ट नहीं डालते हैं, जैसे ब्रेन, हार्ट वगैरह, इस सब पे कुछ नहीं। मेन इनका है हम लोग के मतलब कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ही बिगाड़ते हैं ये। तो जैसे देखिए लंग होता है, तो ये इस पे हो गया सेल मेम्ब्रेन और रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन से तो ये जा नहीं सकता, क्योंकि सिलेक्टिव परमीएबल होते हैं, सिलेक्टिवली परमीएबल। ये रिसेप्टर से खाली इंटर करते हैं, ये जो रिसेप्टर्स है, तो ये जब हमारे बॉडी में इंटर कर जाते हैं रिसेप्टर्स से, तो देखिए पहले ये जाते हैं न्यूक्लियस के पास। लंग्स के सेल होते हैं, तो सेल में न्यूक्लियस होता है, तो ये पहले न्यूक्लियस के पास जाते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के पास जाने के बाद ये पूछते हैं, जैसे हम आपको एक समझाने के लिए बता रहे हैं, तो ये जैसे वायरस है, तो जाके इससे पहले पूछेगा कि न्यूक्लियस कहाँ, हमको ऐसा जगह बताइए जहाँ हमको मतलब थोड़ा मतलब स्प्रेड करने का मतलब वो मिले, और जैसे हम रिप्लिकेट हो सके। तो न्यूक्लियस इसको बोलता है कि जाओ तुम राइबोसोम के पास। कैमरा थोड़ा हिल रहा है, सॉरी फॉर दैट। तो देखिए राइबोसोम जो है, ये हमारे बॉडी का ये फंक्शन करता है, जैसे कि इनका जनरली मेन फंक्शन है फोटोकॉपी करना। तो ये प्रोटीन की जनरली फोटोकॉपी करता है हमारे बॉडी में, प्रोटीन को ये रिप्लिकेट मतलब प्रोटीन को बनाते हैं। तो ये कोरोना जाएगा न्यूक्लियस के पास, न्यूक्लियस इसको बोलेगा यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं, तुम जाओ राइबोसोम के पास। तो राइबोसोम फोटोकॉपी जनरली करता है। तो राइबोसोम का मेन फंक्शन है जैसे कि ये फोटोकॉपी मशीन की तरह वर्क करता है। जैसे देख लीजिए ये आपका हो गया प्रिंटर टाइप का, ये हो गया इसका ऊपर का, ये हो गया स्कैनर का, ये मेन। तो देखिए यहाँ पे प्रोटीन है, तो ये प्रोटीन का कॉपी करता है ढेर सारा, लेकिन यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे कोरोना आ जाएगा, यहाँ पे अपना जेनेटिक मटेरियल रख देगा, ये प्रोटीन हटा के अपना जेनेटिक मटेरियल रख देगा। तो राइबोसोम को ये जनरली पता तो है नहीं हम क्या फोटोकॉपी कर, जैसे देखिए आप प्रिंटिंग मशीन है, तो इसको ये तो नहीं पता होगा हम क्या फोटोकॉपी कर रहे हैं, इसके ऊपर आप जो रखेंगे वही फोटोकॉपी करेगा। तो जब ये अपना जेनेटिक मटेरियल इस पे रख देता है, तो ये फटाफट 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 लाखों की संख्या में रिप्लीकेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मेन कहानी यहीं से शुरू होती है हमारी बॉडी की। देखिए तो इम्पैक्ट पड़ना स्टार्ट हो गया, फंक्शंस मतलब उनका स्टार्ट हो गया, इसका सिम्टम्स दिखने लगे। अब आप ही बताइए, जैसे ये राइबोसोम हमारी बॉडी का है, आप सोचे होंगे जैसे ये प्रोटीन का हम लोग का फोटोकॉपी कर रहा था, रिप्लिकेशन कर मतलब वो कर रहा था, प्रोड्यूस कर रहा था। अब किसको पता था कि अब कोरोना वायरस को ही हमारी बॉडी ही रिप्लिक वो फॉर्म कर रही है। तो देखिए इनके जेनेटिक मटेरियल इस पे आएगा, फिर ये फटाफट 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 रिप्लिकेशन स्टार्ट कर देंगे। इस प्रोसेस को रिप्लिकेशन बोलते हैं बायो के वर्ड में। अब मेन हमारे बॉडी का फंक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है। अब हमारी इम्यूनिटी सिस्टम, जो इम्यून सिस्टम है, वो जो ये कॉपीड हैं यहाँ पे, जो ढेर सारे निकल गए हैं ये वायरस, अब इसके अगेंस्ट हम लोग का बॉडी लड़ना स्टार्ट करेगा। तो इसका मैकेनिज्म जैसा हम आपको बताए थे, पहले बॉडी वार्म होगा, ये हम लोग ये आपका एक मैकेनिज्म है हमारे बॉडी का, डिफेंस टेक्निक है। फिर इससे क्या होता है कि स्मॉल वायरसेस होते हैं, वीक वायरसेस होते हैं, वो ऐसे ही मर जाते हैं बिना किसी और इम्यूनिटी वेस्ट किए। बट वायरस जो होते हैं जल्दी मरते तो हैं नहीं, तो अवर जो हमारा इम्यूनिटी होता है वो हमारे बोलता है इम्यून सिस्टम से कि सॉरी, जो हमारा जैसे आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं, जैसे हमारा न्यूक्लियस है, तो वो हमारे इम्यून सिस्टम से बोलेगा कि अब इसको वो करने से मतलब मारने से आप तुम्हारा ही लॉस है, क्योंकि इम्यूनिटी भी तो ख़त्म हो रही है अगर हम मार रहे हैं उसे, तो वायरस को। तो फिर अब ये बोलेगा कि तुम अब इसको मारने का चक्कर छोड़ो, अब इसको आने से रोको, एंट्री करने से, बिकॉज राइबोसोम तो कॉपी बना ही रहा है, तो कितना मारोगे, ये तो बन ही रहा है यहाँ से, एक मर रहे हैं, 50 लाख आ रहे हैं यहाँ से। तो इसका ये फिर वो होता है, फिर इसका मैकेनिज्म ये है कि एंटीबॉडी जो होता है इसके स्पाइक प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करने लगता है, इस वायरस के जो ये स्पाइक्स प्रोटीन होते हैं इसके पे, इसको डिस्ट्रॉय कर दोगे तो इनका कहानी ख़त्म, बस इसी से ये हमारे बॉडी में एंटर कर पाते हैं, बाकी इनका कोई मतलब नहीं है, क्या ही करेगा लेके। जैसे आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं, जैसे देखिए एक फिगर बना रहा हूँ पॉज करके, फिर आपको हम बताएंगे। तो ये हो गया हमारा फिगर। तो देखिए इम्यून इस जैसे इसके लिए इस टाइप का जैसे यहाँ पे देखिए फॉर्म करते हैं, जैसे देखिए कोविड वायरस का जैसे स्पाइक प्रोटीन है, तो ये क्या करेगा, इस पे कैप लाइक स्ट्रक्चर ये इसको मतलब बांध लेगा। तो इससे क्या होगा कि ये लंग्स के रिसेप्टर पे हमारे अटैच नहीं हो पाएंगे, अटैच नहीं होंगे तो बॉडी में एंटर नहीं होंगे, फिर उधर ही डिस्टर्ब हो जाएंगे कुछ दिनों में। तो देखिए जैसे ये है ना, तो इसको देखिए ऐसे ये इसको कवर कर लेता है।
जितना ज़्यादा इम्यून हम लोग का स्ट्रांग होगा उतना ज़्यादा इम्यूनिटी मतलब ये सब प्रोड्यूस करेगा, तो उतना क्योंकि वायरसेस पर ढेर सारे लाखों की संख्या में ये होते हैं स्पाइक प्रोटीन, तो जितना ज़्यादा बनेगा उतना ज़्यादा ये जब इसको कवर करेगा तभी ना ये अटैच नहीं हो पाएगा, कमी रहेगा तो ये दो चार को करेगा, ये देखिए छूटा रह गया, ये छूटा रह गया, ये छूटा रह गया, तो ये डायरेक्ट आके लंग से अटैच कर ही लेगा। तो भाई जनरली देखिए मरते लोग कैसे हैं, अगर जिनके में एंटीबॉडी बनना स्टार्ट ज़्यादा हो गया वो इस सबको बाइंड कर लिया तो वो भैया बच गए, और जिनका नहीं हो पाया वो मर जाएंगे, क्योंकि वो रिप्लिकेशन उधर से हो ही रहा है उनका, रेबोसोम बना ही रहा है इधर से, ये आपका ख़त्म हो नहीं रहे हैं, तो बढ़ते बढ़ते फिर निमोनिया का करेंगे, बाकी सब का नहीं समाप्त। और इस हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अगर हमें पहले ही पता चल गया कि हमें कोविड है, अगर हम टेस्ट करा लेते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, करा लीजिए आप लोग, फिर अगर हम लोग एंटीबॉडी डाल देते हैं वैक्सीन से तो फिर ये हमारे बॉडी को थोड़ा सा सपोर्ट और करेगा कि हम लोग इससे लड़ सकें। तो देखिए जैसा कि हम लोग में डीएनए पाया जाता है तो और वायरसेस में आरएनए पाया जाता है, तो देखिए डीएनए जो होता है वो डबल हेलिक्स होता है, इसको हम लोग हेलिक्स बोलते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है, तो ये आरएनए में सिंगल होता है और डीएनए में एक और जुड़ता है, तो इसको डबल हेलिक्स बोलते हैं। तो जो देखिए जैसे डीएनए है हम लोग में क्या है, हम लोग के बॉडी में या और भी एनिमल्स हैं जो, तो देखिए उनके में स्लो कॉपी होता है डीएनए, इसलिए जेनेटिक मटेरियल एक्सेप्टेड किया गया क्योंकि डीएनए जो होता है देखिए यहाँ पे वो देखिए स्टेबल है, स्टेबल है, और उसके बाद फिर स्टेबल जो चीज़ रहती है भाई देखो वो ज़्यादा देर तक टिकती है, ठीक है, और इनका म्यूटेशन रेट जो होता है वो भी देखिए स्टेबल है, कॉपी जो बनाते हैं वो नॉर्मल होता है, नॉर्मल मतलब स्लो बोल सकते हैं, अपने कंट्रोल में होता है, मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं, ये हमारे मतलब बॉडी के कंट्रोल में होता है। और ये जो वायरसेस में है देखिए इनका मेन यही हो जा रहा है दिक्कत, मतलब दिक्कत इन लोगों ने, फ़ायदा इन लोग को है, दिक्कत हम लोग को है, क्योंकि देखिए ये फास्ट और अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल मतलब जैसे मन करे वैसे ही रिप्लिकेट करते चले जाते हैं, इनको कोई मतलब वो है नहीं, मतलब रिस्ट्रिक्शन वगैरह, इतने फास्ट होते हैं क्योंकि फटाफट फटाफट अपना कॉपी बना सकते हैं, यही से इन लोग हम लोग से थोड़ा वो कर जाते हैं, विन कर जाते हैं। अब ये मैकेनिज्म तो आपको पता चल गया, आप देख बताता हूँ कि वैक्सीन कैसे वर्क करता है, देखिए बस आप सुनिए हम बोल रहे हैं, जैसे देखिए कि वैक्सीन का वर्क क्या होता है, वैक्सीन तो कई केसेस में लगाई जाती है, लेकिन जो हम कोविड के केस में लगा रहे हैं तो इसमें हम लोग देखिए दो टाइप का हो सकता है, तो पहला ये है कि जैसे हम लोग इसमें आर्टिफिशियल उसके आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट करके रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम लगा के उसको हम लोग वीक करके, मतलब आर्टिफिशियली ये हुआ ना, क्योंकि फिर उसको हम लोग वीक करके आर्टिफिशियल वीक करेंगे तो उसके बाद हम लोग फिर बॉडी में हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि वीक रहेगा तो हमारे बॉडी को ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा और वो हमारी बॉडी उससे सीखेगी। जैसे देखिए बायो में क्या होता है कि जैसे हमारे शरीर में अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ रहा है तो उसमें होगा ये कि जो फर्स्ट रिस्पॉन्स होता है, जैसे अगर पहला एक जैसे कोई भी आया, जैसे एक वायरस आ गया तो उसका जो हमारी बॉडी रहेगी पहले उसको पहचानेगी कि है क्या, समझने में थोड़ा टाइम चला गया, तब तक वो और रिप्लिकेट करेगा राइबोसोम से जाके कॉपी बनाएगा अपना। फिर इसमें होगा क्या कि जैसे हमारे बॉडी को पहले समझने में टाइम लगेगा कि ये है क्या, मारे कि ना मारे, तो फिर फाइनली वो डिसाइड करते हैं कि नहीं ये फॉरेनर भाई तो इसको किल करना ही है, तो पहला रिस्पॉन्स जो होता है वो उतना होता नहीं है इफेक्टिव, करते हैं बॉडी फाइट करेगी आप बच भी जाएंगे, लेकिन अगर ज़्यादा वो अगर मतलब ज़्यादा ताकतवर है हम लोग के उससे तो फिर वो मतलब कि भाई उसको इम्पेक्ट तो करेगा ही हमारी बॉडी को। तो जो हम लोग सेकेंड इम्यून, जैसे देखिए बॉडी का दो रिस्पॉन्स होता है, जो फर्स्ट या प्राइमरी रिस्पॉन्स होगा वो स्लो होगा, लेकिन वो जो स्लो होगा बॉडी, इस नेचर का मैकेनिज्म यही है कि भाई जितना सीखोगे उतना आगे बढ़ोगे, तो हमारी बॉडी उसको सीखेगी, उसको मेमोरी सेल्स में रखेगी, उसको याद करके रखेगी कि भाई देखो ये वायरस आया था, ये फॉरेन पार्टिकल आया था और अब दोबारा आया तो हम लोग इसको छोड़ेंगे नहीं, इससे हम लोग फाइट करके जीत जाएंगे। जैसे आप पहली गलती करेंगे तो दूसरी बार वो नहीं ना दोहराएंगे, आपको पहले सबक मिल गया रहेगा ना कि ऐसे से था, तो प्लानिंग हो जाएगी कि भाई अब वो अगली बार नहीं होना चाहिए, हम लोग उसको फॉट कर जाएंगे। तो जो सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स होता है हमारे बॉडी का, तो वो फिर ज़्यादा इफेक्टिव होता है, तो इसमें होता क्या है कि जब सेकेंड वाला हम लोग का रिस्पॉन्स रहेगा तो वो उससे फाइट करके आसानी से हम लोग जीत जाएंगे। तो इसीलिए देखो अगर किसी को कोरोना नहीं हुआ है, अगर वो वैक्सीन लेता है तो वीक करके हम लोग उसके बॉडी में डालेंगे, वीक रहेगा तो हमारी बॉडी खेलते वेलते उसको मतलब अच्छे से फाइट भी कर जाएगी और प्राइमरी रिस्पॉन्स भी उसको मिल जाएगा, तो उससे होगा क्या कि मेमोरी सेल में वो कैप्चर भी कर लेगी, फिर वो जो वो रियल कोरोना आएगा तो उससे ये होगा कि मतलब फिर वो उससे अच्छे से फाइट कर सकती है, यही आपका वैक्सीन का मेन फंक्शन है। तो
ये होता है वैक्सीन का वर्क हो गया। अब आपको और उसके आगे कुछ बताते हैं। सॉरी, फ्लैश लाइट बंद हो गया, बैटरी डाउन हो गई मोबाइल की। तो जैसे देखिए वैक्सीन का हम लोग वर्क बता चुके हैं आपको, और अब देखिए और कुछ बताते हैं आगे। अब आपको कुछ वैक्सीन के टाइप्स के बारे में बताते हैं, जैसे अभी कौन कौन सी इंडिया में या फॉरेन में अभी वैक्सीन अवेलेबल है। तो हम आपको कुछ अब वैक्सीन के बारे में बता लेते हैं और वो कहाँ डिस्कवर हुई है। जैसे देखिए जो फाइजर वैक्सीन है उसको हम लोग -70 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं, और सेकंड है स्पुतनिक वैक्सीन, तो ये रसिया ने डिस्कवर किया था। और ये जो फाइजर है इसको अमेरिका ने डिस्कवर किया था, स्पुतनिक को रसिया ने डिस्कवर किया था स्पुतनिक वैक्सीन। और जो यूएनओ कंट्री है ये देखिए नोवावैक्स एक वैक्सीन है, इसको डिस्कवर मतलब बनाया। और ये देखिए जनरली पुअर पीपल के लिए था, जैसे अफ्रीका में यूज़ के लिए ज़्यादा। और इसमें देखिए इंडिया का भी कंट्रीब्यूशन था, यूएनओ कंट्री इसको बनाई थी बस, तो इसमें इंडिया का भी कंट्रीब्यूशन था, तो फिर ये वैक्सीन बना था वहाँ पे। और फिर ये फोर्थ एस्ट्राजीन जो है ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बनाया था और इसको इंडिया में नेम्ड किया गया था, मतलब नेम इसको दिया गया था इंडिया में, बनाया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने था। और एस्ट्राजीन देख लीजिए, एस्ट्राजीनिका। फिर इसको नेम इंडिया में क्या दिया गया था, कोविशील्ड, जैसा कि सब लोग जानते ही होंगे कोविशील्ड के बारे में। तो इसमें इंडिया में नहीं बनाया, ये प्रोडक्शन बस इसको इंडिया में हो रहा है, और इसका मतलब बना रहे हैं इसको पुणे में, बनाया जा रहा है इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो हम वैक्सीन के डिस्कवरीज और वैक्सीन के बारे में जान चुके हैं, अब देखिए कुछ और आगे आपको बता रहा हूँ। तो जनरली जो वैक्सीन डिपेंड होते हैं या जिसके मैकेनिज्म पे बनाया जाता है वो mRNA होता है, मतलब RNA बेस्ड वैक्सीन, मतलब RNA वैक्सीन। ठीक, तो फिर जनरली देखिए जो सारे वैक्सीन से जिसका हमने नाम बताया, तो वो सब वैक्सीन जैसे कि mRNA मतलब RNA बेस्ड होते हैं, लेकिन जो इंडिया होता है वो सब जुगाड़ पे चलता है, ये आप लोग तो पता ही है। तो वो क्या उनका मतलब इस फंक्शन पे वो मैकेनिज्म बेस्ड नहीं है। तो इंडिया का जो है वो वैक्सीन वो है कोवैक्सीन। तो कोवैक्सीन भाई ये भारत बायोटेक ने बनाया है, ये इंडियन इंस्टीट्यूट है, भारत में बनाया गया है, भारत बायो टेक। तो इसका डिफरेंट मैकेनिज्म है भैया कुछ और सब ओरिजिनल वैक्सीन से। तो इसमें होता क्या है कि जो ओरिजिनल वायरस है उसको वीक करके हम लोग बॉडी में एंटर कर देते हैं, जैसे अभी वैक्सीन का वर्क में हम बताए थे फंक्शन में कि कैसे वर्क करता है। तो इसमें और जो सारी वैक्सीन्स हैं, जैसे आपका एस्ट्राजेनिका हो गया, फिर आपका कोविशील्ड हो गया, ये सब जो वैक्सीन्स हैं, और ये सब जो थे नोवावैक्स वगैरह, तो ये सब आपका mRNA मतलब RNA बेस्ड वैक्सीन थे। और ये जो भारत का है, ये भारत बायोटेक जो बना रहा है कोवैक्सीन, ये आपका वायरस को ही वीक करके बॉडी में इंटर कर दे रहा है, कि जैसे कि इतना वीक करके डाल दे रहा है, मतलब कि समझ लीजिए वो जैसे अगर वो कॉपी बनाएगा तो वो उसका एकदम कॉपी जो बनेगा वो भी एकदम लूजा लंगड़ाई बनेगा। जैसे अगर वीक कर दियो भाई तो कुछ काच के उसको भर दो उसको वैक्सीन में एकदम वीक करके, तो उसका फंक्शन एकदम लो रेट पे हो जाएगा, तो हमारी बॉडी उसको हंसते खेलते पूरा मतलब सीख जाएगी, इम्यून में हम लोग उसको मतलब प्रॉपर एकदम अंडरस्टैंड कर लेगा कि क्या है भैया कैसे है, सेकंड रिस्पॉन्स में उसको अच्छा खासा डिफीट करेगा। अब इसमें आपको बता देते हैं कि जैसे ये होता है ना कि जैसे हाँ सैनिटाइजर की वर्किंग बता देते हैं। जैसे देखिए सैनिटाइजर यूज़ के लिए जैसे हम लोग डॉक्टर्स या और सब बताते हैं, तो उसका मेन वर्क जान लीजिए और यूज कीजिए सैनिटाइजर को। तो देखिए वर्किंग सैनिटाइजर का क्या है, इसमें मतलब कि ये एक्सटर्नल यूज के लिए है, पहली बात पी वी मत जाइएगा इसको, एक्सटर्नल यूज मतलब एक्सटर्नल यूज बाहरी यूज के लिए, जैसे हाथ पैर में लगाने के लिए हाथ में, तो फिर देखिए जैसे छिड़का वगैरह भी करते हैं सब बॉडी पे, तो एक्सटर्नल यूज मतलब ये हो गया। ये वायरस का ऊपर के लेयर जो होता है जैसे स्पाइक प्रोटीन, उसको ये डिस्ट्रॉय कर देता है। स्पाइक प्रोटीन का मतलब पूरे लेयर को, जैसे देखिए ये है वायरस का स्ट्रक्चर, तो इसमें खाली स्पाइक प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करता तब तो ठीक है, लेकिन ये और ठीक काम करता है, मतलब ये पूरा लेयर को ही मतलब निकाल के फेंक देता है। तो बचता क्या है, खाली ये जेनेटिक मटेरियल, तो इसका लेके करेगा ही क्या ये मतलब इस ये और ये स्पाइक प्रोटीन और इनका जो सेल मेम्ब्रेन है उसको मतलब निकाल के पूरा बाहर कर देंगे, मतलब एकदम सब इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो काम खत्म इसका। अब वैक्सीन जैसे देखिए कुछ सुनने में आ रहा है कि वैक्सीन लगवा के बहुत लोग मर रहे हैं, तो देखिए वैसा कोई बहुत ज़्यादा केस है नहीं, जैसे 50-60 लाख में केस हो जाता है ऐसा, उसमें मतलब देखिए रेट को आप समझा कीजिए। जैसे देखिए कि अगर ऐसा तो है नहीं 4 वैक्सीन लगवा रहे तो 3 मर जा रहा है, ऐसे भी मर ही रहे भैया तो लगवा लीजिए, वो थोड़ा बहुत रिएक्शन हो जाता है नॉर्मली, तो उसको हम लोग को निगलेक्ट करना है, क्योंकि 50-60 लाख में अगर एक लोग मर भी रहे हैं तो वो तो डेली 3-4 हज़ार लोग अब मर ही रहे हैं, तो क्या ही फ़र्क बहुत पड़ जा रहा है। वैक्सीन लगवाइए, सेफ रहिए।
तो जैसा कि देखिए, वैक्सीन सभी बेस्ट हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो वैक्सीन लेता है वैक्सीन उसे भी हो सकता है वायरस, मतलब सॉरी, जो वैक्सीन लेता है कोरोना उसे भी हो सकता है कोरोना। मतलब होना बहुत बड़ी बात नहीं है, जैसे कोरोना होगा तो मर जा रहे हैं पैनिक हो के। तो कोरोना हो गया मतलब कि जनरली हमारी बॉडी है तो इसमें कोरोना आ गया है, बस यही है, आ गया है। अब मैकेनिज्म हमारी बॉडी का तो परफॉर्म होगा ही भाई, अगर आपको वैक्सीन लगा है तो इम्यून हम लोग का थोड़ा सा और स्ट्रांग हो जाएगा, और बाकी हमारी बॉडी तो उसके फाइट कर ही रही है। बचना है कि नहीं बचना तो बाद में डिसाइड होगा ना। अब जैसे ही एंटर कर गया हमारी बॉडी में, तो भैया वायरस अगर एंटर कर गया तो थोड़ा बहुत तो लड़ेगा ही नहीं, डायरेक्ट मर ही थोड़ी जाएगा आदमी। या तो एकदम मतलब बीमारी चल रहा है वो, तब तो मान लीजिए मरना फिक्स है। फिक्स क्या है, अगर ट्रीटमेंट वगैरह सही से मिल जा रही तो वो फिर भी बच सकता है। डोजेज जैसा देख लीजिए कि वैक्सीन का डोज कैसे दिया जा रहा है, तो उसके बारे में कुछ बता दें, इसको पहले इरेज कर लेते हैं। तो देखिए, जो वैक्सीन का डोज है वो दो डोज में दिया जा रहा है, दो डोज में। तो इसमें जनरली है क्या, देखिए कि नॉर्मली इसको कुछ कुछ दिनों के गैप में लेते हैं। जैसे देखिए, अगर आप 28 से 42 दिन के गैप में इसको लेते हैं, चाहे जब ले सकते हैं, इस गैप में दो डोज लेना है, दोनों लेना है। ये नहीं कि एक लेके एक छोड़ने, एक लेके घूम रहे हैं फ्री में कि मतलब लगवा लें तो हमको कोरोना होना ही नहीं है। दो डोज लो भाई, बॉडी को कंप्लीट स्टेबल होने दो, बाकी बॉडी तो ही है आप लोग को बचा लेगी। अभी बताइए, बॉडी हम लोग को फाइट कर रही है अंदर, किसको क्या पता है, हम लोग तो घूमे जा रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं है। तो मतलब बॉडी को भी संभाल के चलना है, अपने आप को भी बचाना है, केसेस तो दिन पर दिन बढ़ ही रहे हैं। तो देखिए, एक डिस्कवर करने के बाद एक ये बात पता चली है, ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई डोज ले रहा है वैक्सीन का, अगर वो जैसे देख लीजिए, जैसे ये है आपका, जैसे आप कोविशील्ड ले रहे हैं, को एक देखिए डोज डोज लेना है, तो एक हो गया कोविशील्ड और एक हो गया जैसे कोविशील्ड हो गया एक आपका ये इंडियन क्या था, और एक हो गया आपका कोविशील्ड, ये इंडिया का है। अरे सॉरी सॉरी, कोविशील्ड तो वो है कोवैक्सीन। तो देखिए, डोज आप ले रहे हैं, दो डोज लेना है 28 से 42 दिन के बीच में। अगर देखिए जनरली क्या हो रहा है, इसको आप भूल जाइए अभी, सॉरी। तो देखिए, अगर आप पहला डोज कोविशील्ड का ले रहे हैं, पहला डोज आप कोविशील्ड का ले रहे हैं, दूसरा डोज भी कोविशील्ड का ले रहे हैं, तो देखिए मेन जो, जैसे मान लीजिए इसका जो रिस्पॉन्स रहेगा वो आपका मान लीजिए कि जैसे 50% है रिस्पॉन्स। तो अगर आप जैसे एक्सचेंज करके ले रहे हैं अगर वैक्सीन को, जैसे एक कोविशील्ड ले लिए और एक कोवैक्सीन ले लिए, अलग अलग जो वैक्सीन है, पहली बार में पहले डोज में इसको दीजिए, दूसरे डोज में इसको दे दीजिए, तो जो इसका इम्पैक्ट आएगा वो एक ही को दो बार लेने से ज़्यादा अच्छा आएगा। जैसे एक बार आप ये ले लीजिए कोविशील्ड, एक हो गया कोवैक्सीन, तो अगर इसका आप कॉम्बिनेशन लेते हैं, एक फर्स्ट डोज में ये, सेकंड या सेकंड या फर्स्ट में, तो इसका जैसे अगर इसके कंपेयर कर लें तो जैसे 65% तक इसका, मतलब 15% तक इसकी इफिशेंसी बढ़ जाती है। तो कोशिश करिए कि दो नो बदल के लिया जाए, जैसे अभी डॉक्टर यूज़ भी कर रहे हैं इस मैकेनिज्म को, पहले एक ही एक लिया जाता था दो बार में। जैसा कि अब जितना मुझे पता था उतना हम आपको बता चुके हैं। अब जैसे देखिए, एक और बात बची है लास्ट, वैक्सीन लेने से कोई ख़तरा नहीं है भैया, वैक्सीन लेते रहिए, लेते क्या रही, दो ही बार लेना ही है, वैक्सीन लीजिए, बहुत ज़रूरी है, कोई मर वर नहीं रहा है ज़्यादा, मतलब अफवाह में न जाएँ। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है, जैसे ब्रेन हेमरेज भी वगैरह सुनने को मिला था कोविशील्ड लगाने से, तो वो सब इंडिया में तो नहीं है, बाकी क्योंकि कोविशील्ड वगैरह जैसे अभी बाहर यूज हो रहा है तो उतना मतलब कि दिक्कत है नहीं। वैक्सीन लीजिए भाई, सेफ़ रहिए, मरने से अच्छा तो है ले ही, के कम से कम चांसेस 0.001% मरने के होते हैं, तो कम से कम ले के आप सेफ़ रहिए। तो देखिए कि इन अप्रैल मंथ जैसे था, एक सेकेंड, जैसे कि आपका अप्रैल अप्रैल तक 2021 में, जैसे ये अप्रैल तक क्या था कि 45+ एजिंग पीपल को खाली वैक्सीन लग रहा था, 45+ एजिंग पीपल। लेकिन अब क्या है कि केसेस इतना बढ़ रहा है कि अब कुछ डिसीजन चेंज करना होगा। तो इजराइल को देखते हुए, इजराइल क्या था कि इसराइल में क्या था कि मॉडल एक लॉन्च किया था, इस मॉडल में क्या था कि मतलब कि 18+ सबको लगेगा वैक्सीन, 18+ जितने हैं वहाँ पे सबको वैक्सीन लगेगा, क्योंकि भाई इसराइल में काफ़ी अच्छा स्प्रेड हुआ था, मतलब अच्छा मतलब नहीं, काफ़ी मतलब गहराई से स्प्रेड हुआ था, तो मतलब ये कदम उठाना पड़ा था इसराइल को, वैक्सीन फ्री में भी लगा रही थी इसराइल। तो इस मॉडल को मोदी जी भैया ध्यान में रखते हुए अब ये किए हैं कि अब अपने कंट्री में भी वो लाया जाए, क्योंकि केसेस तो देख ही रहे हैं, 3 लाख 4 लाख आए, 3 लाख+ ही आ रहे हैं रोज़। तो उसमें क्या करना है कि अब इंडिया में भी ये लॉन्च हो गया है, कि अब इंडिया में क्या होगा, 1 मई से
सॉरी डू नॉट टर्न ऑन, वन मई से क्या हो रहा है? तो वन मई से क्या है जनरली कि वन मई से ये देखिए नया इजराइल का मॉडल देखते हुए पीएम मोदी जो भैया हमारे वो उनको ये कदम उठाना पड़ा कि वन मई से अब क्या है कि सभी 18 प्लस को वैक्सीन लगेगी और आपको लगवाना भी है। वैक्सीन लगवाइए, वैक्सीन लगवाइए, सेफ रहिए, वन मई से लगेगा, लगवाइए सब लोग। और दूसरी चीज़ की देखिए आज कितना डेट हो गया, जो भी हो मतलब अभी 3 या 4 दिन पहले एक न्यूज़ में देख रहा था तो उसमें ये बताए हैं कि जो सीएम है भैया हमारे स्टेट के वो भी बताएं कि अब सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन आएगी, सबको फ्री लगेगा, वैक्सीन लगवाइए, सेफ रहिए, थैंक यू सो मच। कोई डाउट है आप लोगों को तो कमेंट कीजिए, बाकी अगर जो हमसे थोड़ा बहुत नहीं एक्सप्लेन कर पाए होंगे जो छूट गया वो आप बताइए कमेंट में, या जो आपको डाउट रहता है पूरी कोशिश रहेगी बनाने बताने की, और या तो हम सेकंड पार्ट भी इसका बनाएंगे जो आपका डाउट रहा उसको कलेक्ट करके। थैंक यू सो मच।